अपने 10 साल के राजनीतिक इतिहास में अगर आम आदमी पार्टी कुछ भूलना चाहेगी तो वो है इस बार का संसद का मानसून सत्र, जहां आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पावर कम करने वाले बिल के पास होते ही बड़ा झटका लगा, तो वहीं संसद का सत्र खत्म होते होते आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब संसद सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने यह ऐलान किया कि सांसदों के फर्जी साइन वाले मामले में विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा सस्पेंड रहेंगे, साथ ही संजय सिंह का सस्पेंशन भी बढ़ाया जाता है। अब संसद से अपने दोनों फायर ब्रांड नेताओं के सस्पेंशन के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ साथ राज्यसभा के सभापति के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लगातार लोकतंत्र खत्म करने और राज्यसभा की रूल बुक का नियम 256 का हवाला देकर राघव और संजय सिंह के सस्पेंशन को आम आदमी पार्टी साजिश बता रही है। अब ये पूरा बवाल आखिर क्यों हो रहा है? आखिर किसी सांसद को सस्पेंड करने पर राज्यसभा का नियम क्या कहता है? क्या वाकई राघव और संजय सिंह को नियमों के खिलाफ जाकर सस्पेंड किया गया? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बता दें कि सस्पेंशन की इस पूरी बहस का निचोड़ राज्यसभा के निलंबन नियम 256 और 266 में छुपा हुआ है, क्योंकि सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा और संजय सिंह को सस्पेंड करते वक्त निलंबन नियम 256 के साथ साथ नियम 266 भी पढ़ा। तो चलिए सबसे पहले आपको इन दोनों नियमों के बारे में विस्तार से बताते हैं। बात करें संसद के निलंबन नियम 256 की, जिसकी दुहाई देकर आम आदमी पार्टी लगातार राघव और संजय सिंह के सस्पेंशन पर सवाल खड़े कर रही है। वो नियम 256 सांसदों के निलंबन से जुड़ा हुआ है। नियम 256 के मुताबिक अगर सभापति को लगता है कोई सदस्य सभापीठ के अधिकारों की उपेक्षा कर रहा है या बार बार जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाल रहा है तो सभापति उस सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। सभापति उस सदस्य को एक निश्चित अवधि तक निलंबित कर सकते हैं। ये अवधि कुछ दिन या पूरे सत्र पर लागू हो सकती है। सभापति किसी सदस्य को एक सत्र से ज्यादा निलंबित नहीं कर सकते। नियम 256 ये भी कहता है कि अगर सदस्य अपने बर्ताव के लिए माफी मांग ले या बाकी सदस्य अगर चाहें तो सस्पेंशन वापस लिया जा सकता है। यानी नियम 256 ये साफ साफ कहता है कि सभापति किसी भी सांसद को एक सत्र से ज्यादा सस्पेंड नहीं कर सकते। अब यहीं से सवाल नियम 266 को लेकर खड़े हो रहे हैं, जिसे नियम 256 के साथ पढ़ते हुए सभापति ने राघव और संजय सिंह को सस्पेंड किया। वो नियम 266 सभापति को अवशिष्ट शक्तियां देता है। इन नियमों में विशेष रूप से प्रदान नहीं किए गए सभी मामले और इन नियमों के विस्तृत कामकाज से संबंधित सभी प्रश्नों को इस तरह विनियमित किया जाएगा कि अध्यक्ष समय समय पर निर्देश दे सके। ऐसा नियम 266 में लिखा हुआ है। यानी एक लाइन में समझे तो नियम 266 राज्यसभा के सभापति को विवेकाधीन शक्तियां देता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या नियम 266 के तहत राघव और संजय सिंह को लंबे समय तक निलंबित रखा जा सकता है? जिसे जानने के लिए हमने लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य से बात की, जिन्होंने बताया कि नियम 266 अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। हर सदन में अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के पास कुछ अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, जो बहुत आवश्यक हैं। ऐसी कई स्थितियां होती हैं जहां नियम मौन हो सकता है या नियम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे में अध्यक्ष को उस विशेष स्थिति से निपटने के लिए नियम 266 के तहत मिले अधिकार का उपयोग करना होगा। यही वजह है कि सभापति को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन जहां एक निश्चित नियम है वहां अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। मसलन नियम 256 में स्पष्ट रूप से निलंबन का प्रावधान है। ऐसे में सभापति 266 के तहत अपने विशिष्ट अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते, ना ही अतीत में किसी भी सदस्य को अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके इस तरह से किसी भी सांसद को निलंबित किया गया है। तो सवाल अब सभापति के फैसले पर खड़े हो रहे हैं।
कि आखिर नियम 256 जिसके तहत राघव और संजय सिंह का सस्पेंशन किया गया वो ज्यादा से ज्यादा एक सत्र के लिए सस्पेंशन की इजाजत देता है, तो लंबी अवधि के लिए दोनों का सस्पेंशन क्यों किया गया? और नियम 266 सभापति को शक्तियां तो देता है लेकिन उन मामलों में नहीं जिनके नियम राज्यसभा की रूल बुक में स्पष्ट रूप से लिखे हैं। अब जैसा हमने आपको बताया कि नियम 256 में साफ साफ सस्पेंशन को लेकर नियम तय किए गए हैं, तो फिर 266 के तहत सभापति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यही वजह है कि सभापति के इस फैसले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपका सभापति के इस फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।